प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग कर रहे थे और आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि है इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन और उसकी एप्लीकेशन। पहली बात मैं बता दूं कि ये जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग में ही यूज हो, जरूरी नहीं है। ये कंसेप्ट हर उस जगह यूज किया जा सकता है जहां पर आपके पास इनकम्प्लीट वर्क की कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए। ये जो कंसेप्ट है वो मोस्टली जहां पर भी हमारा प्रोडक्ट फुली रेडी नहीं हुआ है वहां पर उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, और वहां पर इसकी क्या यूजेज है और क्यों यूजेज है उसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इक्विवेलेंट यूनिट के कंसेप्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। हमें इक्विवेलेंट यूनिट के कंसेप्ट की जरूरत तब पड़ती है जब हमें किसी प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट निकालनी हो और वो वर्क अगर इनकम्प्लीट है तो वहां पर बिना इस कंसेप्ट के उसको इजीली कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा, जिसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि से मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं और जो मैंने प्रोडक्ट बनाया उसके लिए एक मटेरियल मैं यूज करता हूं और उस मटेरियल की टोटल कॉस्टिंग जो है से रुपीज 55,000 है, 55,000 रुपए का एक मटेरियल मैंने खरीदा। ये मटेरियल की मेरी कॉस्ट है। ये जो मटेरियल की कॉस्ट है उससे मैंने से 2,750 या 5,500 पीसेस बना दिए, इतने पीसेस मैंने बना दिए। तो इतने मटेरियल से इतने पीस बनाए तो कोई भी बता सकता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है। पर यूनिट कॉस्ट बताना कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइड करते ही पता चल जाएगा कि पर यूनिट कॉस्ट रुपीज 10 है, एक पीस 10 रुपए का बनता है। अब यहां से मैं कुछ सवाल अगर मैं पूछूं आप तो बड़ी आसानी से आप जवाब दे पाओगे, ये 10 रुपए का बनता है सामान, लगता है सामान जब एक प्रोडक्ट रेडी होता है। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरा प्रोडक्ट लेकिन अभी 50% ही रेडी हुआ है तब भी क्या उसने पूरे 10 रुपए का मटेरियल यूज कर लिया होगा? आपको मैं सिंपली कि पूरा सामान पूरा जब बन जाता है तब 10 रुपए का मटेरियल लगता है, तो अगर वो अभी 50% बनाया तो उसमें मटेरियल अभी 50% मतलब रुपीज 5 का ही यूज किया होगा। अगर मैं बोलूं नहीं 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 ये तो 50% अभी तक 30% ही रेडी हुआ है, ये है 100% बनने की लागत। जब वो पूरा बन जाता है तो 10 रुपए का मटेरियल लगता है, तो अब अगर वो 30% ही रेडी हुआ है तो उसमें अभी तक कितने रुपीज वैल्यू का मैंने मटेरियल यूज किया होगा? जस्ट रुपीज 3। अगर मैं बोलूं कि मैंने तो इसे अभी तक सिर्फ 25% ही रेडी किया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा रेडी होता है तो 10 रुपए का मटेरियल लगता है, तो 25% रेडी होने पर अभी जो मटेरियल इसमें डला होगा या यूज किया गया होगा वो रुपीज 2.50 का किया गया होगा। अगर आपको 100% रेडी होने पर कितनी कॉस्टिंग आती है पता चल जाए तो पार्टली कंप्लीट होने पर उसकी क्या कॉस्टिंग हो जाना कोई भी बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है, हम इजीली बता सकते हैं। अगर 50% रेडी है तो 50% कॉस्ट होगी, 30% रेडी है तो 30% कॉस्ट होगी, 25% रेडी है तो 25% उसकी कॉस्ट होगी। बट यहां पर मेरे एग्जाम्पल में मैंने थोड़ा सा वर्क तुम्हें आसान दिया, मैंने तुम्हें बोला कि 55,000 में 5,500 यूनिट कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि 55,000 में 5,500 यूनिट कंप्लीट हो जाती है, आपने इजीली पर यूनिट कॉस्ट जान ली। और उसके बाद फिर अगर मैंने आपको कोई पार्टली कंप्लीटेड यूनिट बताई तो उसकी कॉस्ट आपने इजीली निकाल ली। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है जब मैं बोलूं कि जो 5,500 यूनिट है वो ऐसे नहीं है, बल्कि ये जो यूनिट मैंने बनाई है वो भी इनकम्प्लीट और कंप्लीट के कॉम्बिनेशन से बनाई है। ये जो 55,000 पे मेरी कॉस्ट है, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चेंज कर देता हूँ। मटेरियल तो मैंने 55,000 का ही यूज किया, बट इससे जो मैंने यूनिट बनाना शुरू की वो तीन टाइप की यूनिट मैंने बनाई। इसमें मैं मान के चलता हूँ से मैंने 1,000 यूनिट्स ऐसी बनाई जो 100% रेडी हो गई, इसमें से 2,500 यूनिट्स लेकिन ऐसी बनी है अभी जो भी 50% ही रेडी हुई है, और इसमें 2000 यूनिट्स ऐसी भी हैं जो अभी 25% ही रेडी हुई है। तो तीन टाइप की मैंने यूनिट यहां पे बनाई है, 1000 यूनिट जो पूरी रेडी हो गई है, 2500 यूनिट जो 50% रेडी हुई है, और 2000 यूनिट जो 25% रेडी हुई है। अब क्योंकि ये सारी डिग्री सारी जो प्रोडक्ट मैंने बनाया वो अलग अलग परसेंटेज कंप्लीटेड है, इसलिए मैं इससे डायरेक्टली इनके नंबर से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट नहीं जान सकता, क्योंकि इसमें 100% और 50% दोनों मिक्स है, 25% भी मिक्स है। तो यहां पर अब मुझे पर यूनिट कॉस्ट जानने के लिए एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, पहले मैं वो करके दिखाता हूँ फिर उसका बेनिफिट दिखाता हूँ। यहां पर 1000 यूनिट 100% रेडी है, अगर मैं 1000 और 100% आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू आ जाएगी, 1000 यूनिट्स ही दोबारा आ जाएंगे।
अब ये 2500 यूनिट्स हैं जो 50% रेडी है। अगर मैं 2500 का 50% करूं तो मेरे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी जो कि हाफ हो जाएगी और 2500 यूनिट्स के इक्विवेलेंट होगी। अगर मैं 2000 यूनिट का 25% करूं तो मेरे पास एक जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 500 यूनिट्स। अब टोटल अगर मैं करूं तो ये टोटल वैल्यू आ रही है मेरे पास 2750 यूनिट्स। अब जरा मतलब समझिए, जो मैंने कैलकुलेशन किया वो क्या शो करती है। ये शो करती है कि 1000 यूनिट 100% रेडी होने पर जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी यूनिट के इक्विवेलेंट होगी। भाई 1000 यूनिट 100% 100% कंप्लीट होने के लिए उतना ही मेटल लेंगे जितना कि मेटल वहां पे लगा है। बट अगर मैं 2500 यूनिट 50% रेडी कर चुका हूं तो उतने ही मटेरियल से जिसमें 2500 यूनिट 50% बनी है, अगर उनको पूरा बनाने की कोशिश की जाती तो उतने मटेरियल से केवल 1250 यूनिट ही आपको मिलती 100% रेडी हुई। मतलब 2500 50% यूनिट जितने मेटल में बनती है उतने ही मेटल में 1250 100% कंप्लीट यूनिट भी बन सकती है। यहां पे 2000 यूनिट लेकिन 25% रेडी, जवाब आया था 500 यूनिट। इसका मतलब हुआ कि अगर आप कुछ मेटल यूज कर रहे हैं उसमें से 2000 यूनिट आपने बनाई है लेकिन केवल 25% ही वो रेडी हुई है तो उतने ही मेटल को यूज करके आप 500 कंप्लीट यूनिट भी क्रिएट कर सकते थे। तो ये सारी चीजें हैं इनइक्विवेलेंट, बट उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू सबकी 100% वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट की तो मुझे एक डिफरेंट नंबर मिला और वो शो करता है कि जितने मेटल से ये डिफरेंट डिग्री ऑफ कंप्लीशन वाली यूनिट बनाई जा सकती थी उससे अगर सभी को 100% बनाया जाता तो जवाब होता 2750 100% रेडी यूनिट उतने ही मेटल से। अब अगर मैं मान के चलूं कि यही क्योंकि मेरी कॉस्ट है और इतनी मेरी इक्विवेलेंट यूनिट थी, अगर मैं डिवाइड करूं क्योंकि अब ये सब 100% कंप्लीट रेडी हो गई, यहां पे 100% कंप्लीट रेडी नहीं थी लेकिन ये उसके इक्विवेलेंट ही 100% की वैल्यू है, तो मुझे एक जवाब मिलेगा 2750 और जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूं मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है ₹20। मतलब जब कोई प्रोडक्ट फिलहाल अब 100% रेडी हो जाता है तो उसकी कॉस्ट ₹20 आती है। पहले वाले एग्जांपल में ₹10 थी, अब वैल्यू चेंज होकर ₹20 हो गई। और अगर आपको पता चल गया कि अब एक यूनिट जब 100% रेडी होती है तो उसमें ₹20 कॉस्ट आती है तो अब जितने मर्जी परसेंटेज कंप्लीट वैल्यू मैं दूं आप उसका जवाब फटाफट दे दोगे। अब अगर मैं बोलूं कि नहीं ये सामान तो अभी 50% रेडी है तो आप कहोगे सर पूरा सामान बनता है तो ₹20 कॉस्ट आती है, तो 50% रेडी अगर कोई हो गया तो अभी तक उसमें मटेरियल की कॉस्ट ₹10 रही होगी। अगर मैं बोलूं कि 25% वाला जो कंप्लीट है उसके ऊपर अभी तक कितना मेटल यूज हुआ तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा सामान यूज होते तो ₹20 कॉस्टिंग आती है, तो 25% अगर मैं उसका निकालूं तो अभी तक उसमें जो मेटल यूज किया गया होगा वो ओनली ₹5 का क्या होगा। एक बार मुझे ये पता चल जाए कि इक्विवेलेंट 100% में क्या कॉस्ट आती है तो उसके बाद मैं किसी भी इनकम्प्लीट वर्क की कॉस्ट को आसानी से जान सकता हूं। अगर सारी ही यूनिट कंप्लीट है तब तो इस इक्विवेलेंट कन्वर्जन का कोई सेंस ही नहीं है, तब तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके जैसे मैंने पहले निकाला था जवाब दे सकते थे। बट ये कंसेप्ट वहां पर बड़ा यूजफुल है जहां पर आपके पास अलग अलग परसेंटेज में वर्क हो रखा है। कोई दूसरा क्वेश्चन करने लगते हैं हम, वहां पे हमें कई डिफरेंट टाइप के मटेरियल मिल जाते हैं, उसमें पता चलता है कि कुछ सामान ऐसा है से 1000 यूनिट हमारी ऐसी है जो 100% है, फिर दूसरी यूनिट हमारे पास 500 यूनिट्स हैं जो कि 80% कंप्लीट है, कुछ उसमें 400 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि हमारी 60% कंप्लीट है, 200 यूनिट ऐसी भी हैं जो कि अभी 25% कंप्लीट है और हमें कुछ एक्स अमाउंट दिया होता है जो हमने अभी तक मेटल पे खर्च कर दिया। तो बड़ी आसानी से सबकी कॉस्टिंग निकाली जा सकती है अगर आप उसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट कर लें। यहां पे कैसे कैलकुलेशन होगी, 1000 यूनिट तो 100% करें तो 1000 ही जवाब आ जाएगा, 500 का 80% करें तो 400 हमारा जवाब आ जाएगा, 400 का 60% करें तो 240 हमारा जवाब आ जाएगा, और यहां पर मैं इसकी फिगर को ले लेता हूं 240, तो अगर उसका 25% करें तो 60 हमारा जवाब आ जाएगा। इन सबको अगर हम ऐड करें तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 1700 यूनिट्स। बस अब आपको एक कॉस्ट बता दें कि हमने अभी तक मेटल कितने का यूज किया है, हम फटाफट सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट बता सकते हैं। अगर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मान लूं कि अभी तक हमने मेटल 17000 रुपीस का यूज किया है तो अभी तक हमने 17000 का यूज करके इक्वल टू 1700 यूनिट बनाने लायक काम किया होता तो जवाब आएगा ₹10, और एक बार ₹10 आ गया तो 80% की कॉस्ट ₹8,
60% की कॉस्ट 6 रुपीज और 25% की इंडिविजुअल कॉस्ट 2 रुपीज 50 पैसे हो पाएगी। ये सेम कंसेप्ट जैसे हमने इस समय मटेरियल की कॉस्ट के लिए यूज किया, सेम कंसेप्ट आप लेबर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि 17,000 रुपीज मटेरियल की कॉस्ट नहीं बल्कि लेबर की कॉस्ट थी, तो लेबर ने कितने परसेंट काम किया, उसकी इक्विवेलेंट यूनिट क्या है। अगर मैं बोलूं कि ये सेम कॉस्ट आपके ओवरहेड्स के लिए है, तो ये ओवरहेड की इक्विवेलेंट कॉस्ट आ जाएगी। और किसी फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को जानने के लिए उसके अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सबकी अगर इंडिविजुअल कॉस्ट को ऐड कर लिया जाए, तो आपको इनकम्प्लीट वर्क की और कंप्लीट वर्क की टोटल कॉस्ट का पता चल सकते हैं। क्लियर है पहले ये कंसेप्ट? इसके बाद हम इसके ऊपर बेस जो है वो क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इस कंसेप्ट को यूज करेंगे हम सिंप्लीफाई तरीके से। प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें लिखा है यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें इनपुट 3,800 यूनिट, आउटपुट 3,000 यूनिट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 800 यूनिट गिवन है। बाद में हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताया गया है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के रिगार्डिंग, और उसमें कितना कितना परसेंट और कितनी कितनी टोटल कॉस्ट है वो हमें बता दी गई है। एक बात अच्छे से समझ लेना, ये जो परसेंटेज में प्रोसेस कॉस्ट बताई गई है, ये केवल वर्किंग प्रोग्रेस के लिए ही बताई गई है। फिनिश गुड्स हमेशा 100% जो रेडी हो जाता है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 80%, 70% और 70% गिवन है, ये वर्किंग प्रोग्रेस के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। और आगे हमें मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की टोटल कॉस्ट कितनी है वो बताई गई है। फिर लिखा है फाइंड आउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और प्रोसेस अकाउंट हमें बनाना है। तो नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है, लेकिन उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के थ्रू ही जानी जा सकेगी, जिसको हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट से अलग से कैलकुलेट करेंगे। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम अपना प्रोसेस अकाउंट बनाने की शुरुआत करते हैं, और जहां पर हमें किसी कॉस्ट के लिए इक्विवेलेंट यूनिट की जरूरत पड़ेगी, तब मैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन के अंदर हमें तीन तरह के खर्चे ही तरफ बताए गए हैं, और जो इनपुट हमने किया है वो 3,800 यूनिट का किया है, ये बताया गया है। तो हमें प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें मटेरियल की कॉस्ट डालनी होती है। मटेरियल जो हम डालेंगे उसके अंदर हमें क्वांटिटी मिल चुकी है, इनपुट क्वांटिटी 3,800 यूनिट, और उसके आगे जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 14,560 रुपीज़। कोई अनोखा अलग काम नहीं कर रहे हम। फिर हमें लेबर के बारे में पता चल गया, लेबर भी हमारी कॉस्ट होती है, इससे हमें क्वांटिटी तो नहीं लेकिन वैल्यू में इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, 21,360 हमारी लेबर कॉस्ट है। फिर ओवरहेड की कॉस्ट बता दी गई है, हम यहाँ पे ओवरहेड्स भी शो कर देते हैं। ओवरहेड्स के अंदर भी क्वांटिटी तो ऐड नहीं होगी, क्वांटिटी तो सिर्फ मटेरियल की ही होती है, और यहाँ पे जो वैल्यू बताई गई है वो है 14,240। तो अभी तक हमने कुल तीन खर्चे किए हैं, और उससे हम प्रोसेस की कॉस्टिंग निकालने वाले हैं। चलिए अब इससे जो हमने खर्चे के कुछ आउटपुट होगा, कुछ नॉर्मल लॉस, कुछ एबनॉर्मल लॉस, कुछ वर्किंग प्रोग्रेस क्लोजिंग हो सकता है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो हमारा आउटपुट हुआ वो 3000 यूनिट का हुआ, और वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर 800 यूनिट है। तो 3800 यूनिट की हमें क्वांटिटी तो मिली चुकी है, इसको जस्ट वेरीफाई होना चाहिए, और वेरीफाई ये हो रही है। 3800 का इनपुट है तो 3800 आउटपुट भी होना चाहिए। यहाँ पर जो आउटपुट हो रहा है उसमें एक तो हमारा फिनिश गुड्स बन गया है जो कि 3000 यूनिट्स है, और दूसरा इसके अंदर जो है वो है वर्क इन प्रोग्रेस जिसकी 800 यूनिट है, और हमें इन्हीं की ये कॉस्ट क्या होगी वो जानेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो हमें डेबिट साइड के अंदर टोटल जो कॉस्ट है वो पता चल चुकी है। अगर हम उसे ऐड कर लें 14,560 और उसके बाद 21,360 और उसके बाद 14,240, तो हमारा खर्चा अभी तक 50,160 हो चुका है, और वही 50,160 यहाँ पर हमें जस्ट अब टैली कराना है। अब यहाँ पे क्योंकि अलग अलग परसेंटेज में काम हुआ है, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट की स्टेटमेंट बनानी है, जो क्वेश्चन में पूछी भी गई है। ये जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें टोटल जितनी भी आपने इनपुट डाली है उसके इक्विवेलेंट यूनिट की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर टोटल अगर बात करें क्वांटिटी वाइज तो 3800 यूनिट डाले। स्टेटमेंट में जो कॉलम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सबसे पहले आपको पर्टिकुलर्स में आपने लिखना है कि जो आइटम आपने बनाई है वो क्या है, वो प्रोडक्ट फिनिश हो गया है, नॉर्मल लॉस हो गया है, अबनॉर्मल लॉस हो गया है, ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस है, वो आखिर है क्या। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ की डिटेल देनी है। दूसरा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने इनपुट आउटपुट ली है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जितना आपने इनपुट डाला होगा उतना ही यहाँ पे टोटल हमेशा होना चाहिए। फिलहाल अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूँ तो एक तो हमने फिनिश गुड्स बना दिए,
और फिनिश गुड्स में 3000 टोटल क्वांटिटी है। दूसरा इसमें हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, और जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस है वो है 800 यूनिट। तो ये टैली तो हो गया 3800 यूनिट। अब इसके अंदर हम कितना कितना परसेंट काम इस साल कर चुके हैं उसकी बात करेंगे। जो प्रोडक्ट हमने फिनिश बनाया ऑब्वियसली वो 100% हमने रेडी किया है। जब तक वो 100% रेडी नहीं होगा कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि वो फिनिश हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीन चीज़ों के खर्चे गिनाए गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो मटेरियल लेबर का जो खर्चा और जो ओवरहेड का खर्चा दोनों जगह 70% था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसके अलग अलग कॉलम नहीं बनाए हैं। मटेरियल की परसेंटेज अलग दी है, लेबर और ओवरहेड की परसेंटेज उसने कॉमन दे दी है, इसलिए मैंने लेबर और ओवरहेड का वहाँ पे कॉमन एक कॉलम बना दिया है। अगर इनकी परसेंटेज अलग अलग हो तो आपको सब आइटम के जितने भी आपके खर्चे हैं सबके आपको अलग अलग कॉलम इसमें मेंटेन करने पड़ सकते हैं। मटेरियल और लेबर दोनों ही इवन ओवरहेड फिनिश गुड्स में हमेशा 100% ही होते हैं, लेकिन जो वर्किंग प्रोग्रेस उसके अंदर उसने बताया कि मटेरियल अभी हमने केवल 80% ही यूज़ किया। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज में लिखूंगी मटेरियल अभी हमने 100% नहीं बल्कि 80% यूज़ किया है जो वर्किंग प्रोग्रेस है, और लेबर और ओवरहेड दोनों ही जस्ट 70% ही अभी तक यूज़ किए गए। हमने ऑलरेडी सीख लिया कि अगर परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इक्विवेलेंट यूनिट में बदल जाएगा। ये तो 3000 ही बनेगा और यहाँ पे भी 3000 ही बनेगा, बट यहाँ पे 800 का अगर हम 80% निकालते हैं तो जो फिगर हमारे पास आती है वो आती है 640 यूनिट्स, और अगर इसका 70% निकालते हैं तो फिगर हमारे पास आती है 560 यूनिट्स। अब मैं अगर इसका टोटल करूँ तो 3640 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3560। अब ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं जितना भी मटेरियल आपने यहाँ पे खर्च किया उससे इतनी इक्विवेलेंट यूनिट बनाई जा सकती थी। इसलिए मैं यहाँ पे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल सकता हूं किस किस चीज की। तीन तरह के खर्चे हैं, एक तो मटेरियल है, दूसरा लेबर है और तीसरा ओवरहेड्स है। इनके टोटल खर्चे कितने हैं वो मैंने वहां पे लिखे हुए। मेटल हमने खर्च किया था 14,560 का, लेबर 21,360 और ओवरहेड 14,240। अगर आप इक्विवेलेंट कॉस्ट जानना चाहते हैं तो आपने जो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यहाँ पे क्वांटिटी निकाले उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो मटेरियल के लिए डिवाइड करेंगे 3640 से। जैसे ही मैं 14,560 को डिवाइड करता हूँ 3640 से, मुझे एक वैल्यू मिलती है जो कि आती है ₹4। अगर मैं लेबर और ओवरहेड की बात करूं तो दोनों की इक्विवेलेंट यूनिट यहां पे आई है 3560, तो 3560 और यहां पे भी 3560 से डिवाइड करें तो इसकी कॉस्ट भी पता चल जाएगी 21,360 डिवाइड बाय 3560 करने से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ₹6। और अगर मैं 14,240 को डिवाइड कर दूं 3560 से तो वैल्यू अगेन आ रही है ₹4। ये अगर मुझे इंडिविजुअल कॉस्ट पता चल गई है मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की, तो मैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट हर तरह के जो भी हमने आउटपुट दिए हैं उनकी कॉस्ट जान सकता हूँ, पर यूनिट में भी और टोटल में भी। चलिए यहाँ पे एक बार पर यूनिट कॉस्ट जानने की कोशिश करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी। अगर मैं फिनिश गुड बना रहा हूँ, पर यूनिट कॉस्ट, अगर मैं फिनिश गुड्स बना रहा हूँ तो फिनिश गुड्स का मतलब मैं उसके अंदर उस 100% मटेरियल, 100% लेबर और 100% ओवरहेड यूज कर रहा हूँ तभी वो फिनिश बनेगा। तो फिनिश गुड्स के लिए आपको 100% ऑफ मटेरियल, 100% ऑफ लेबर और 100% ऑफ ओवरहेड लेना पड़ेगा। तो इसका लाभ 4+6+4 कर दूं तो इसकी टोटल कॉस्ट ₹14 आ जाएगी। जब ये पूरा रेडी होगा तो ₹14 की कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मैं वर्किंग प्रोग्रेस की बात करूं तो वर्किंग प्रोग्रेस क्योंकि पूरा रेडी नहीं हुआ इसलिए पूरी पूरी कॉस्ट कैसे ऐड कर सकता हूं मैं, जितना परसेंट रेडी हुआ उतनी परसेंट कॉस्ट ले लेते हैं। तो मटेरियल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्किंग प्रोग्रेस केवल 80% रेडी हुआ है, तो मेरी जो वहां पे कॉस्ट आई थी ₹4 उसका मैं सिर्फ 80% ही लूंगा मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस लेबर, लेबर और ओवरहेड दोनों ही 70% ही रेडी हुए हैं, इसके अंदर जो वर्किंग प्रोग्रेस है तो जो लेबर की कॉस्ट है जो कि ₹6 है उसका मैं जस्ट 70% ही भी ऐड कर सकता हूँ, पूरा रेडी होगा तभी पूरी कॉस्ट ऐड करेंगे, अभी 70% ही लेबर वाइज रेडी हुए। और जो ओवरहेड है उसका भी 70% लेंगे जो कि ₹4 है, उसका अगर मैं 70% ले लूँ तो मुझे वर्किंग प्रोग्रेस की फिलहाल की कॉस्ट क्या है पता चल जाएगी। तो 4 का अगर मैं निकालूं अगर 80% तो फिगर आ रही है ₹3.20। अगर 6 का कैलकुलेट करें 70% तो वैल्यू आ रही है ₹4.20। और अगर 4 का
कैलकुलेट करते हैं 70% तो वैल्यू आ रही है ₹2.80 और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आ रही है ₹10.20। तो जो मेरा प्रोडक्ट फिलहाल रेडी हो गया है वो ₹14 पर यूनिट वाला है और जो भी रेडी नहीं हुआ है वो ₹10.20 वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना चाहूँ इसकी टोटल वैल्यू, तो यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे 10.20 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये वेरीफाई हो जाना चाहिए और इक्वल आ जाना चाहिए। 800 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू आ रही है 8160 और अगर मैं 14 मल्टीप्लाई बाय 3000 कर दूं तो वैल्यू आ रही है 42000। आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, आपकी वैल्यू आ रही है 50160। तो इक्विवेलेंट यूनिट के कंसेप्ट ने बहुत इजीली हमें हर एलिमेंट की इंडिविजुअल कॉस्ट बता दी और उसके बाद जितना परसेंट जो काम हुआ हमने उतने परसेंट उसकी कॉस्ट को ऐड करके वर्किंग प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की वैल्यू को निकाल लिया। हाँ, एक ये वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका भी, अल्टरनेट वे भी है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो दूसरा तरीका है उसमें हम इनकी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करने की बजाय यहाँ पे मैंने जो पर यूनिट निकाला उसकी जगह पूरा फुल एंड फाइनल ही कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे फुल एंड फाइनल कॉस्ट निकाली जाती है, आप इसके अंदर फिनिश गुड्स की बात करते, पहले फिनिश गुड्स और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। आप डायरेक्टली फाइनल 42000 और 8160 भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, आपको यूनिट का तो पता ही है, इक्विवेलेंट यूनिट से उसकी कॉस्ट को बस मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास तीन तरह के खर्चे हैं इसमें, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। तो यहां से आपने जो इक्विवेलेंट नंबर निकाले थे, इक्विवेलेंट नंबर से बस आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मटेरियल का इक्विवेलेंट नंबर है 3000 यूनिट, लेबर का भी इसके लिए 3000 यूनिट है और ओवरहेड का भी 3000 यूनिट है। लेकिन अगर वर्किंग प्रोग्रेस की बात करें तो मटेरियल के लिए उसका इक्विवेलेंट नंबर था कितना, 640। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेडी हुआ अभी तक 640 यूनिट के इक्विवेलेंट। लेबर और ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो 560 यूनिट के इक्विवेलेंट रेडी था, 560 एंड 560। अब क्योंकि हमने इक्विवेलेंट यूनिट ही डायरेक्ट ले लिया है, आपने जो भी कॉस्ट पर यूनिट निकाली उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपको 42000 और 8160 मिल सकता है। जब कैलकुलेट करके देखते हैं, मेटल 4 रुपये का है, लेबर 6 रुपये की है, ओवरहेड 4 रुपये का है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा ₹12,000, ये हो जाएगा ₹18,000 और ये हो जाएगा ₹12,000। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 12 + 18 + 12 और वैल्यू आ रही है ₹42,000। सेम ऐसे ही 4 रुपए वाला मटेरियल, 6 रुपए वाली लेबर और 4 रुपए वाला ओवरहेड। यहाँ पे यूनिट मैंने ऑलरेडी कम कर रखी है, परसेंटेज पहले से यूज कर रखी है, इसलिए यहाँ पे सीधा ही जवाब आपको ₹8160 मिल जाएगा। चल चेक करके देखते हैं आता है या नहीं आता जवाब। 640 मल्टीप्लाई बाय 4 ये वैल्यू आ रही है ₹2560। 560 मल्टीप्लाई बाय 6 ये वैल्यू आ रही है ₹3360 और 560 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो वैल्यू आ रही है ₹2240 और इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है ₹8160। अगर आपको इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट आता है तो कई तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं और जहां पर भी उसकी कॉस्ट को यूज करना है वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे हमने फिनिश गुड्स और वर्किंग प्रोग्रेस की कॉस्ट के वक्त हमने इस कंसेप्ट को यूज किया। क्लियर है, कंप्लीट।